मूविंग ऑन टू द रिलेशन ऑफ स्टमक, पेरिटोनियल रिलेशन होते हैं। हमने बता दिया है कि लेसर कर्वेचर के ऊपर हमारे पास लेसर मेंटम लगता है, ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर ग्रेटर मेंटम लगता है, और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लेगमेंट नियर द फंडस कह सकते हैं, फंडस से लेके हमारे पास स्प्लीन तक जाता है तो ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लेगमेंट हो गया। और पोस्टीरियरली भी एक रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास पेरिटोनियम की, तो वो हमारे पास गैस्ट्रोफेरेनिक लेगमेंट होता है। ठीक है, अब हमने जो बात करनी है क्या कहते हैं कि क्रेनियल टू द लेगमेंट, ये जो लेगमेंट है गैस्ट्रोफेरेनिक लेगमेंट, इससे जरा क्रेनियल ऊपर की तरफ स्मॉल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द स्टमक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है डायफ्राम के साथ, तो उस एरिया को हम बेयर एरिया ऑफ द स्टमक कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास सारे विजरल रिलेशंस जो होते हैं हमारे पास के लिवर और डायफ्राम और ट्रांसवर्स कोलोन एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, हमारे इसके एंटीरियर होते हैं। एक तरीके से रटा लगाने वाली चीज़ है कि, मगर एक तरीके से थोड़ा तरीके से विजुलाइज भी हो सकता है कि ये जो स्टमक होता है बेसिकली इसके आगे हमारे पास ये लिवर होता है, तो एक चीज़ तो पता लग गई कि स्टमक के एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास लिवर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि ट्रांसवर्स कोलोन भी इसके सामने आ गई, ये बात भी क्लैरिफाई होगी। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी इसके सामने होता है और डायफ्राम याद रख लेना कि ये इसके सामने ही होता है। ठीक है, अब एक होता है जी ट्रॉबीज स्पेस होती है। ठीक है, तो ये स्पेस बेसिकली होती है हमारे पास लोअर एंड ऑफ द लेफ्ट लंग। ठीक है, लोअर एज, अब जो हमारे पास लेफ्ट लंग आ रहा था उसकी लोअर एज जो थी, और जो हमारे पास कॉस्टल कार्टिलेजेस होती हैं, यानी जो लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन 7th 8th 9th 10th कॉस्टल कार्टिलेजेस से जो बना होता है, उन दोनों के दरमियान एक हमारे पास स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉबीज स्पेस कहते हैं। बाकी हमारे पास आ रहा है कि जब हम परकशन करते हैं, परकशन का पता कि इस तरीके से रखे ऊपर से एक फिंगर मारते हैं तो हमारे पास वो परकशन होती है, तो बेसिकली वो एक रेजोनेंट साउंड देती है, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आपकी स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है या प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, तो ये एरिया, ये जो स्पेस है, ये फिलअप हो जाती है, तो जिसकी वजह से एक हमें डल सी वॉइस आती है जिससे हमें पता लगता है कि देर इज सम प्रॉब्लम इन दिस एरिया। ठीक है, बाकी जो होता है हमारे पास, ये तो थे एंटीरियर रिलेशन ये वाले। बाकी जो होते हैं हमारे पास जी पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर बेसिकली वी जस्ट हैव द स्टमक बेड, कि स्टमक किन चीज़ों के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और जिन भी चीज़ों के ऊपर ये पड़ा होता है वो सारे के सारे लेसर साक जो होता है वो सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम इसके एंटीरियर रिलेशन में भी था, इसके पोस्टीरियर रिलेशन में भी आ गया। लेफ्ट किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक बात याद रख लो कि एड्रीनल सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आ गया, पैंक्रियाज आ गया, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन हो गया, आगे ट्रांसवर्स कोलोन था, पीछे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है, और स्प्लीनिक आर्टरी या स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, ये सिर्फ और सिर्फ रटा लगाने वाली चीज है। बाकी ब्लड सप्लाई इसकी समझने वाली है, जरा इंपॉर्टेंट है कि लेसर कर्वेचर जो होता है हमारे पास होता है उसकी एक सप्लाई होती है, ग्रेटर कर्वेचर की सप्लाई होती है, और फंडस की सप्लाई होती है। ठीक है, लेसर कर्वेचर इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो कि ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, तो यानी सिंप्लीफाई की बात की जाए तो लेसर कर्वेचर इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये इनके ऑरिजन वगैरह की बात हो रही है, तो ये भी देख लेते हैं थ्रू द प्लेट ऑफ द एटलस। ठीक है, अब इस प्लेट ऑफ द एटलस के अंदर इन्होंने ये दिखाया हुआ लेसर कर्वेचर, ठीक हो गया, तो ये अब इन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये आ रही है हमारे पास ऊपर से, अगर दिखाया जाए तो ये पिंक वाला जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिस इज गोइंग हेयर, यहाँ जा रही है, ये हमारे पास जा रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये आगे जाके ये देखो ये लेसर कर्वेचर के ऊपर जा रही है, तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। अब उन्होंने कहा था कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की। अब इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को ही अगर यहाँ से ट्रेस किया जाए तो ये जा रहा है हमारे पास एक ट्रंक, ये जो पिंकिश रेडिश, इसके अंदर इतनी क्लैरिफिकेशन तो नहीं है इस प्लेट के अंदर, मगर ये इन्होंने बताया हुआ, तो ये होता है हमारे पास सीलिएक ट्रंक। ठीक है, ये ऊपर से दिखाया जाए तो ये आ गया हमारे पास, ये जा रहा है सीलिएक ट्रंक, तो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच आ गई हमारे पास एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज सप्लाइंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अब आती है हमारे पास स्प्लीन, वो क्या कहते हैं जो थी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो हमारे पास एक तरीके से ब्रांच आ रही है ऑफ द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब यहाँ हमारे पास आ रही है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, वो पहले लोकेट करते हैं, ये जो ग्रीन लेबल किया हुआ है ये हमारे पास आ रही है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब इस प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से हमारे पास जा रही होती है द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये देखो ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी थी, तो ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल रही है, दिस इज गोइंग ऑल द वे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। तो ये इन्होंने एक तरीके से वो कर लिया कि ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ गई और ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ गई, तो ये हमें पता लग गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक। ये बात होगी हमारे पास लेसर मोमेंटम की ब्लड सप्लाई कवर अप हो गई है। अब आ जाते हैं हम लेसर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई कवर अप हो गई है, बाकी अब हम आ जाते हैं ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर, उसके अंदर भी हमारे पास राइट और लेफ्ट है। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ब्रांच ऑफ गैस्ट्रो ड्यूडिनल और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, सिंप्लीफाइड बात करनी है तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसे भी प्लेट ऑफ द एटलस से देख लेते हैं कि पहले हम आ जाते हैं ऑन द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, क्योंकि अब बात होने लगी है हमारे पास ग्रेटर मेंडम की बाहर बाहर से। ठीक है, तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक इन्होंने यहाँ लिखी हुई है कि ये हमारे पास आ रही है, जरा ऊपर से अगर दिखाया जाए कि ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आ रही है विच इज गोइंग ऑल द वे, ये देखो यहाँ तक जा रही है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। मगर उन्होंने कहा है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है इट इज द ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। अब स्प्लीनिक आर्टरी इन्होंने ना पीछे से दिखाई हुई है, तो स्प्लीनिक आर्टरी इज बेसिकली ये वाली हमारे पास आ रही है स्प्लीनिक आर्टरी, इसे अगर लोकेट किया जाए तो ये जा रही है हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, ये अगर हमारे पास आ रही है स्प्लीनिक आर्टरी, तो ये सारी की सारी जो कवर रोल अप हो रही है
तरीके से स्पायरल बना रही है, ये बिहाइंड व्यू दिखा रहे हैं। तो ये देखो ये आगे जाके इसने ये ब्रांच दे दी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये देखो ये सारा सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एक हमारे पास होगी ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी, और एक हमारे पास थी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये जा रही है हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, ये गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी है, ठीक है। इसे भी इन्होंने थोड़ा पोस्टीरियरली, ये देखो पोस्टीरियरली व्यू दिखाया हुआ है थोड़ा सा, और ये आ गया जी हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इन अदर वर्ड्स राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ये वाली थी ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, और ये जो थी हमारे पास क्या कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो ये सारी है ये ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की, ठीक है। ये ज़्यादा हमारे पास थ्रू द प्लेट ऑफ एटलस क्लैरिफाई हो गया। फिर उन्होंने कहा जी फंडस इज सप्लाइड बाई 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। इसकी बस एक ही है कि जी 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांचेस किसकी हैं स्प्लेनिक आर्टरी की। अभी हमने ये स्प्लेनिक आर्टरी देखी थी कि जी ये स्प्लेनिक आर्टरी जा रही है तो इसने लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक दे दी, और ऊपर इसने ज़रा थोड़ी है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज की भी इसने थोड़ी ब्रांचेज दे दी और ये सप्लाई कर रहा है फंडस को, ठीक है। बात कर लेते हैं हम वेन्स की। वेन्स जो होती हैं स्टमक की, वो उन्होंने लिखा हुआ है कि दे ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन में जा रही है, ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में जा रही है, स्प्लीनिक वेन में जा रही है, ठीक है। अब जिस तरह स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेज आ रही थी, ठीक है, तो उन्होंने चले जाना स्प्लीनिक वेन के अंदर, ठीक है। बाकी अब हमारे पास पोर्टल वेन में जाएगी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाएगी। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इन द पोर्टल वेन, ठीक है। अब जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है उन्होंने हमारे पास ड्रेन करना है पोर्टल वेन में, और राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में करेगी, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ये हमारे पास स्प्लीनिक वेन में करेंगे। ये एटलस की प्लेट में आई गेस बना हुआ है हमारे पास ज़रा अच्छे तरीके से कि व्हाट आर द वीनस ड्रेनेज ऑफ द क्या कहते हैं द स्टमक, इट इज़ नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। हाँ, ये अब हमारे पास आ रही हैं राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स जो होती हैं हमारे पास वो जा रही हैं इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है। ये जा रही हैं हमारे पास राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एक तरीके से, तो ये आ गई है हमारे पास इनटू द पोर्टल वेन। फिर हमारे पास जो ये जा रही है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, ठीक है, और ये हमारे पास जा रही है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। वही वाली उसी जगहों के ऊपर बातें हो रही हैं, इन्होंने चले जाना है स्प्लीनिक वेन के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ से हमारे पास आ रही थी द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, ये वाली जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है इसने जो होता है हमारे पास ड्रेन करना होता है इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। या आई गेस यहाँ इन्होंने दिखाई नहीं हुई, नहीं दिखाई हुई है कि ये जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है दिस इज ड्रेनिंग इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये अब आ रही है हमारे पास वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्टमक, ठीक है। ये हमारे पास लेसर मोमेंटम था, इसे सप्लाई कर रही थी हमारे पास राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कर रही थी, तो इसी तरीके से राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आर ड्रेनिंग इनटू द पोर्टल वेन के अंदर, इनका ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है। एक बात हो गई हमारे पास क्लैरिफाई। फिर उन्होंने कहा जी हमने पढ़ा था राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज हमने पढ़ी थी, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन अब आ गई, ठीक है, और साथ ही साथ शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये दोनों आ रही थी स्प्लीनिक आर्टरी से, तो अब ये दोनों ड्रेन करेंगे इनटू द स्प्लीनिक वेन के अंदर, ये ड्रेन करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी थी इट वॉज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ द क्या कहते हैं द गैस्ट्रो ड्यूडिनल, ठीक है ना, और यहाँ भी ये ड्रेन कर रही है इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, बस ये वेन का नजरा नाम इसमें डिफरेंट है। तो ये जो हमारे पास होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन दिस इज बेसिकली ड्रेनिंग लाइक दिस इनटू द सुपीरियर मेसेंटरिक वेन। मूविंग ऑन टू द लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक, लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक ज़्यादा अच्छी जो है वो केएलएम में लिखी हुई है, बीडी के अंदर इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई। सो केएलएम के अंदर अकॉर्डिंग टू केएलएम हमारे पास जो है लिम्फ फ्रॉम द सुपीरियर टू थर्ड, जो हमारा स्टमक है उसका सुपीरियर टू थर्ड का सारा लिम्फ है वो हमारे पास जा रहा होता है गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में, और जो होता है हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टमक का लिम्फ जो होता है वो पैंक्रियाटोस्प्लीनिक लिम्फ नोड्स में जा रहा होता है, और जो हमारे पास इन्फीरियर थर्ड रह गया था स्टमक का उसके इन्फीरियर में से भी राइट टू थर्ड जो है उस इन्फीरियर का वो पाइलोरिक लिम्फ नोड्स में जा रहा है, और जो रिमेनिंग वन थर्ड रह गया था लेफ्ट वन थर्ड ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर वो हमारे पास जा रहा होता है पैंक्रियाटो ड्यूडिनल लिम्फ नोड्स में। एक तरीके से क्रमिंग ही है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह तो है नहीं। मूविंग ऑन टू द नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक, नर्व सप्लाई हमारे पास एक पैरा सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं और हमारे पास सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंपथेटिक फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द T6 to T9 सेगमेंट्स, यहाँ करेक्शन है T6 to T9 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और फिर ये जाते हैं इनटू द सीलिएक प्लेक्सस में जाते हैं वाया द ग्रेटर स्प्लैंकेनिक नर्व्स, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये वेसोमोटर होते हैं। एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर क्या कहते हैं हमारे पास पूरे जो गैस्ट्रिक मस्कुलेचर है उसके लिए इनहिबिटर या सिंपथेटिक फाइबर, मगर जो स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर उसके लिए मोटर है, और इनका काम ये होता है कि पेन सेंसेशंस जो होती हैं सिंपथेटिक पाथवे के थ्रू जाती हैं। पैरासिंपथेटिक हमारे पास टू वेगाए से डिराइव होते हैं, ठीक है, और हमारे पास पैरासिफेगल प्लेक्सस और राइट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व के अंदर हमारे पास लेफ्ट वेगल फाइबर्स होते हैं और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व के अंदर हमारे पास राइट वेगल फाइबर्स होते हैं, ये हमें पता है। बाकी जो होता है हमारे पास कि पैरासिंपथेटिक नर्व्स जो होती हैं हमारे पास पूरे गैस्ट्रिक मस्कुलेचर के लिए स्टिम्युलेटरी होती हैं, अपोजिट टू द सिंपथेटिक है ये, ठीक है ना, और जो स्फिंक्टर है उसके लिए हमारे पास इनहिबिटरी होती हैं। इंटीरियर ऑफ द स्टमक की बात की जाए तो
हमारे पास म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है, और हमारे पास क्या कहते हैं मसल कोट होता है और एक सीरियस कोट होता है। म्यूकोजा के अंदर हमारे पास एपिथीलियम आ जाती है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ कि फोल्ड्स हैं, एक देखो ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। जब इस स्टमक के अंदर हमारे पास ज़्यादा फूड होगा तो दीज फोल्ड्स विल बिकम फ्लैट, ठीक है, और इन फोल्ड्स को हम गैस्ट्रिक रियूगे कह रहे हैं, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर। जब हम वो कर देते हैं तो ये हमारे पास फ्लैटन होने बता दिए। इन्हीं फोल्ड्स के अंदर हमारे पास कुछ म्यूकोजल जो सर्फेस है हमारे पास उसके अंदर कुछ पेट्स होती हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक पेट्स कहते हैं, डिप्रेशन को गैस्ट्रिक पेट्स कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो ओपन करते हैं इनटू दीज पेट्स। बाकी जो है हमारे पास इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सब म्यूकस कोट जो है उसके अंदर हमारे पास कनेक्टेड टिश्यू आर्टीरियल्स और नर्व प्लेक्सेस है, ये हिस्टो के अंदर पड़ा हुआ है। बाकी जो होता है हमारे पास के लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं और हमारे पास इनर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, इनर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास ऑब्लीक फाइबर्स भी होते हैं, हाँ, और एक हमारे पास सीरियस कोट होता है जो हमारे पास पेरिटोनियल कवरिंग कर रहा होता है, ठीक है। फंक्शन स्टमक पता होना चाहिए कि डाइजेशन करवाता है, मिक्सर ऑफ फूड है, रिजर्वॉयर है, पेरिस्टालसिस करवाता है हमारे पास, ठीक है, और एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, डाइजेशन ऑफ फूड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एचसीएल बनाते हैं, ठीक है, जो कि मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हमारे फूड में होते हैं, ड्रिंकिंग में होते हैं। स्टमक की लाइनिंग जो होती है हमारे पास म्यूकस बनाता है, लुब्रिकेशन के अंदर है, कोरोसिव प्रोटेक्ट करता है, हाँ, ये जो म्यूकस सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा से, ये हमारे स्टमक के वॉल्स को एचसीएल से बचाता है। एचसीएल ने फूड को करवाना है डाइजेस्ट, बट इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एचसीएल बाय द म्यूकस लेयर सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे हमारे पास आ रहा है कि जो अल्कोहल है, वाटर है, सॉल्ट है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक के अंदर, और स्टमक हमें पता ही है कि इंट्रेंसिक फैक्टर बनाता है जो कि विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हमने कहा है जी क्लिनिकल एनाटॉमी कि गैस्ट्रिक पेन जो होती है हमारे पास वो फेल्ट होती है एपिगैस्ट्रियम के अंदर, हमारे पास जो प्लेन्स थे रीजन थे उसके अंदर ये वाला हमारे पास एपिगैस्ट्रियम आ रहा था, तो यहाँ हमें फील होती है गैस्ट्रिक पेन। मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल एनाटॉमी, इन्होंने लिखा हुआ है गैस्ट्रिक पेन इज फेल्ट इन द एपिगैस्ट्रियम। हमने कहा था कि जो हमारे पास रीजन होते हैं उसके अंदर ये वाला जो रीजन होता है ये एपिगैस्ट्रियम होता है, एपिगैस्ट्रियम के अंदर ये हमें फील हो रही होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ये वाला एरिया BT689 सेगमेंट सप्लाई कर रहे होते हैं और स्टमक को भी यही सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही होती है। और हमने कहा था कि जो सिंपैथेटिक पाथवे होता है वो पेन के अंदर काफ़ी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। पेन किस किन वजह से हो सकती है, कोई स्पैज्म हो गया मसल का या कोई ओवर डिस्टेंशन हो गई है, ठीक है, और अल्सर पेन इज एट्रीब्यूटेड टू लोकल स्पैज्म ड्यू टू इरिटेशन। फिर उन्होंने कहा पेप्टिक अल्सर कहाँ कहाँ हो सकता है, कि जहाँ पेप्सिन होता है, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी स्टमक में हो जाएगा, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर हो जाता है, और फिर हमारे पास ये इन द ब्लड ग्रुप ओ के अंदर ये बहुत कॉमन होता है, एंड इन द मैकल्स डायबिटिकलम ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इन केसेस के अंदर हमारे पास गैस्ट्रिक पेन फील हो रही होती है। फिर अब उन्होंने लिखा हुआ कि जो गैस्ट्रिक अल्सर अकर्स अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर, क्योंकि लेसर कर्वेचर इज मोर प्रोन टू इंसल्ट, ये जो हमारे पास लेसर कर्वेचर इट इज मोर प्रोन टू इंसल्ट देन एनी अदर कर्वेचर, ठीक है। रीजन ये हैं कि हमारे पास ये है, इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ये है कि म्यूकोजा इज नॉट फ्रीली मूवेबल ओवर द मस्कुलर कोट, म्यूकोजा इतना मूवेबल नहीं होता, यहाँ एपिथीलियम यहाँ थिन होती है, यहाँ ब्लड सप्लाई भी कम होती है, नर्व सप्लाई अबंडेंट होती है विद लार्ज गैंग्लिया। और फिर उन्होंने ये लिखा कि इरिटेटिंग ड्रिंक्स की इंसल्ट की वजह से भी यहाँ हमें गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर नॉट कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर की बात हो रही है, गैस्ट्रिक अल्सर इज वेरी मच कॉमन इन द लेसर कर्वेचर लिखा हुआ है, और इसकी शॉर्ट लेंथ होती है लेसर कर्वेचर की इस वजह से, और एक एच पायलोरी इन्फेक्शन होती है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर है। गैस्ट्रिक अल्सर उन लोगों के अंदर बहुत कॉमन होता है जो कि स्पाइसी फूड्स खाते हैं, जो कि टेंशन लेते हैं और हमेशा जल्दी में होते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है हमारे पास रेजिस्टेंट होता है हीलिंग, ये काफ़ी सालों के लिए रहता है, ठीक है, इट इज़ परसिस्टेंट फॉर ईयर्स, और इसके अंदर कोई इतना वो नहीं लिखा हुआ, अगर इसका ट्रीटमेंट करवाना है तो टू प्रोमोट हीलिंग द इरिटेटिंग इफेक्ट ऑफ एचसीएल कैन बी मिनिमाइज्ड, हम एंटासिड्स देते हैं पर्सन को, या हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कर लेते हैं, पूरा स्टमक नहीं रिमूव करते, सम पार्ट ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड, और विगोटमी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक अल्सर लेसर कर्वेचर में कॉमन था, मगर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है हमारे पास वो ग्रेटर कर्वेचर के अंदर कॉमन है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक है उसको भी अगर पॉइंट आउट किया जाए तो ये मेटास्टेसिस कैन अकर हो सकता है, कि यानी मेटास्टेसिस, क्योंकि लिम्फ नोड के थ्रू ही मेटास्टेसिस होता है, तो मेटास्टेसिस कैन अकर थ्रू द थोरैसिक डक्ट टू द लेफ्ट सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड की तरफ भी जा सकता है ये, ठीक है। और दीज लिम्फ नोड आर नोन एज अ सिग्नल नोड्स, और जो कॉमन इन ब्लड ग्रुप ए, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज कॉमन इन ब्लड ग्रुप ए, और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर भी एक चीज़ कॉमन थी जो कि पेप्टिक अल्सर था, पेप्टिक अल्सर इज कॉमन इन ब्लड ग्रुप ओ।
ठीक हो गया। बाकी अगर उन्होंने लिखा हुआ कि पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कि जो हमारे पास पाइलोरस का स्पेंटर था वहाँ कोई कंजेनेटली या एक्वायर्ड बाद के अंदर या फ्रॉम द डे वन ऑफ डेवलप यानी जब बच्चा पैदा हुआ था तो कंजेनेटल उस वक्त से या बाद के अंदर किसी रीजन से हमारे पास पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और इट कॉजेज विजिबल पेरिस्टालसिस इन द एपिगैस्ट्रियम, जो आपका एपिगैस्ट्रियम रीजन है वहाँ आपको विजिबल पेरिस्टालसिस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और वॉमिटिंग हो जाती है उन लोगों को आफ्टर मील्स, और होता है ये हाइपोस्थेनिक स्टमक इज लॉन्ग एंड नैरो स्टमक, हम हाइपोस्थेनिक स्टमक कहते हैं, ठीक है। वो मोर प्रोन होता है टू गैस्ट्रिक अल्सर, और जो हाइपरस्थेनिक स्टमक होता है जो कि शॉर्ट और ब्रॉड होता है वो ड्यूडिनल अल्सर के लिए कॉमन होता है, यानी हाइपोस्थेनिक इज कॉमन फॉर गैस्ट्रिक अल्सर एंड हाइपरस्थेनिक इज कॉमन टू ड्यूडिनल अल्सर। बाकी आगे हिस्टोलॉजी आ रही है एंड डेवलपमेंट आ रही है एंड दिस कंप्राइजेज द स्टमक।